कॉलेज में वाइंड अप करता हूँ, मेरे कॉलेज की लाइफ क्या थी, कॉलेज में माहौल क्या था। इंडिपेंडेंस के दिन थे, एजिटेशंस के दिन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए हुए थे, फिर ये तीनों INA के जिन पे केस चल रहा था वो भी सब वहीं थे। हमने ये देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सारे वर्कर देवर ट्रेटर्स टू दिस कंट्री, देवर नॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, देवर फॉर रशिया बिकॉज दे वॉन्टेड, रशिया वॉज फाइटिंग, द वॉर वॉज स्टिल गोइंग ऑन, दे डिडंट वॉन्ट द इंडियंस टू स्टार्ट एजिटेशन सो दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द ब्रिटिशर्स एंड देयर पार्टी, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट द इंडियन एंड नॉट RSS, जो इतना बड़ा बोल बोलते हैं कि अपने खुदा थे। गांधी वॉज द ओनली वन हु वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, ओनली द कांग्रेस, RSS पीपल वर ओनली फॉर हिंदू, फॉर वॉट, टू किल मुस्लिम्स, मुस्लिम्स नेवर गिव। अब देखिए पार्टीशन है, जब पार्टीशन होने के डिसीजन चल रहे थे, पंजाब नेवर वोटेड फॉर पार्टीशन, फर्स्ट वोट वॉज नेवर फॉर पार्टी, अफगान पेशावर नेवर वोटेड फॉर पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान नेवर वोटेड फॉर पाकिस्तान, बट दे डिड देयर वर्क। गांधी वन एंड फ्रीडम मिली, बट इंडिया गॉट डिवाइडेड अगेंस्ट द विशेज ऑफ गांधी, अगेंस्ट द विशेज ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, नॉट नेहरू एंड देवर सरदार पटेल, देवर नॉट फॉर, देवर नाइदर वे दिस वे दैट, बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट चल नहीं रही थी, बीजेपी वालों को अपना मुस्लिम लीग को इतना मिल गया, फिनांस तुम दे दो, बाकी सब उनको दे दो, गांधी को कांग्रेस को दे दो, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाना तो जवाहरलाल नेहरू को बना दो, बट फिनांस मिनिस्टर के बगैर आप पत्ता नहीं हिल सकता, आप पेन नहीं खरीद सकते, आप चपरासी नहीं रख सकते जब तक वहाँ से पास होकर ना आए, देन दे रियलाइज इट हैज़ टू बी डिवाइडेड, डिवीजन होगी। होने के बाद जो हुआ मैं बता सकूँ आपको, देन मोमेंट माई होल फैमिली रीच दिल्ली ऑन 25th of August, द होल फैमिली एट असेंबल, पार्टी आधे किधर आए आधे बाद में आए, बट वी आर ऑल असेंबल्ड, एंड 27th आई डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे दिल्ली से, एंड टुक माई परमिशन फ्रॉम माई फादर टू ज्वाइन द फिल्म इंडस्ट्री। 17 September 1947 आई बाई फ्रंटियर मेल आई रीच्ड बॉम्बे, 11:30 द ट्रेन यूज टू कम, पापा जी आई वॉज रिसीव्ड एट द स्टेशन, भाग सिंह करके उनका ड्राइवर था, वो सब मुझे लेके आया, मैं नहाया, कह रहे नहा ले, मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकला तो सामने पापा जी खड़े थे और राज जी खड़े थे, आग है स्टार्टेड, द प्रोडक्शन है स्टार्टेड। तो पापा जी ने मुझे कहा भी देख क्या बनना है, मैंने कहा जी मैं तो डायरेक्टर बनना है, कहते गधे तू डायरेक्टर कैसे बन सकता है, तू तो साइंस स्टूडेंट है, तू तो लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, तू कहाँ बनेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं राजू इसको ले जाओ कैमरे में डाल दो, बाई कंपर्शन आई वॉज टेकन वे टू कैमरा, मैं सीधे पहले दिन ही सब उसी दिन ही बिकेम असिस्टेंट कैमरा मैन, द कैमरा मैन वॉज मिस्टर रमन, उन्होंने मुझे अच्छे नाइस मैन, उन्होंने मुझे दे दिया कि फ्रेम लिखो, डिस्टेंस लिखो, लेंस लिखो, तुमको अपने आप समझ आ जाएगी बात में, मैंने वो करना शुरू किया। अब मैं जब जब फिर देखने के लिए फ्रेम कितना होता है, बीच में देखूँ तो एक दिन नरगज जी थी उसमें मैंने फ्रेम देखा, उन्होंने मुझे आँख मार दी, मैं घबरा के बाहर आ गया। तो दिस वॉज ट्रीट, आग ख़त्म हो गई, आग ख़त्म होने के बाद मेरे को राजी ने कहा आप क्या करेगा, मेरी पिक्चर बरसात शुरू होती है तो टाइम लगेगा, बट आई वॉज लव्ड, राजी ने कहा कि जाओ इसको लेबॉरेटरी में डाल दो। तो हमारे एक फैमिली मेम्बर थे अमरनाथ चाचा, वो रंजीत लेबॉरेटरी में थे, मुझे रंजीत लेबॉरेटरी में ले गए, रंजीत लेबॉरेटरी में जाएँ तो डेवलपमेंट में डाल दिया, डेवलपमेंट डाले तो केमिकल उड़े तो कपड़े ख़राब हो, वो तो कभी ठीक होने वाली नहीं, तो मुझे खाकी का पेंट शर्ट दी बनवा के चाची मेरी ने, मिसेस पृथ्वीराज कपूर ने, तो मैंने वो भी ख़राब हो गई, तो उन्होंने कहा बिगाड़ो इसको निकालो यहाँ से, रोज़ कपड़े ख़राब करता है, इसको नया काम दो। तो उन्होंने अमर चाचा ने मुझे डेवलपिंग बार जब डेवलप हो गया था ड्राइंग चैम्बर में डाल दिया, ड्राइंग चैम्बर में डाला। तो एक बात मैं कहना भूल गया आपको सब पहले, कि मुझे राजी लेके गए केदार शर्मा के पास, जब मैंने उनसे कहा मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता,
तो उन्होंने पापा से छुप से पूछे बगैर मेरे को ले गए किधर समझ जी किधर समझ नहीं गए नहीं सॉरी हमारे पास पांच असिस्टेंट है यू हैव नो टाइम नो प्लेस फॉर हिम लेट हिम गो आई विल कॉल हिम सम अदर टाइम व्हेनेवर आई हैव टाइम मैं आई फेल्ट वेरी बैड माय कजन हैज बीन माय राजी हैज बीन इंसल्टेड लाइक बहुत बुरा लगा मुझे फिर वो एक दो जगह और लेके गए गोपीनाथ जी डायरेक्टर थे उनके पास वो लेके गए उनके पास लेके गए तो वहाँ उन्होंने भी कहा यार मैं तो पिक्चर नहीं करना मैं तो घर बैठा हूँ मैं क्या करूँ तेरे को क्या हालत है मैं फिर वापस ड्राइंग चैम्बर में तो एक दिन मैं मैगजीन पढ़ रहा था फोटोग्राफी तो सामने केदार शर्मा जी आ गए ना इज़ अ बिग शिट इज़ अ बिग मैन आई नो दैट कितनी रिस्पेक्ट है इनकी आई नो दैट बट ही हैज़ इंसल्टेड माई यंग कज़न हाउ डू आई बॉदर अबाउट हिम तो उन्होंने कहा वेर इज माई नेगेटिव मेरा नेगेटिव डिवेल्प हुआ कि नहीं सो आई पॉइंटेड इज इन द ड्राइंग चैम्बर बड़ा रूडली होता ना कर्टली कह दिया ड्राइंग चैम्बर उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो मैंने दिया मैगजीन दे दिया पढ़ने को इज्जत तो इतनी तो है ना पढ़ने के बाद वो पूछने के तू क्या करता है मैं कहा जी यही काम करना जो देख रहे हैं आप कहना है तू उर्दू जानता है मैं कह जी हाँ कल से आ जा मेरे ऑफिस आ जाना यू आर असिस्टेंट माई असिस्टेंट फ्रॉम टुमारो ऑन मैं कहीं मैं चाचा जी से पूछ के बताता हूँ उन्होंने कहा मैं गया तो घर गया रात को मैं ऐसा शर्मा जी ने कहा है तो पापा जी को मैं कहा पापा जी मैंने कहा मैं चाचा जी से पूछ के बता मैंने एक घुमा के मैं सारे इतना बड़ा आदमी तेरे को कह रहा है कहने के लिए तरस गया तू वैसे ही तरस रहा है तो ये क्या हरकत की तूने तो ये कह दिया मैं आ गया चाची जी कहने लगे मेरे को बिठाएं समझाएं बेटा काम वो करना जिसमें तेरा मन हो जो और कहते हैं वो नहीं मतलब वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि पापा जी की जो कह रहे हैं वो नहीं कर जो कर वो जो तू तेरा दिल करता चाची मेरे को ये समझा रही मैंने कहा ठीक है अब वहाँ अब घर में रहने लगे वो घर तो रिफ्यूजियों का कैंप था उस वक्त प्रिंसराज कपूर अपना कमरा छोड़ के बरामदे में सोते थे जब बरसात आती थी चिक लगा लेते थे बाकी जो पेशावर से आए उनका मिसेस पृथ्वीराज जी का कज़न ब्रदर उनका दूसरा उनके कज़न का जो मुंशी था उसका बेटा प्राणनाथ खन्ना जो उनके बुआ के कज़न बेटे थे वो उनकी वाइफ मैं तो पहले ही थे ही आ गए इतने ही सोए एक राजी का कमरा जिसमें हम सब सोए और सब ज़मीन पर सोए अब अवारा गर्दी कहाँ की जाए डर बड़ा लगे पास पड़ोस में बहुत खूबसूरत पारसी लड़कियाँ रहती थी अब पता लग गया पृथ्वीराज जी को हम इधर उधर देखते मल्ले वाले ने पता लग गया तो हमारी पिटाई होगी हम पर छत चढ़ जाते थे दो बहनें रहती थी साथ वाली बिल्डिंग में अच्छा उधर उसी बिल्डिंग में जगदीश जी भी रहे एक्टर जे के नंदा सामने वो डायरेक्टर जिनकी सबसे गंदी फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं डायरेक्टर बनूंगा वो वहीं रहते थे इधर सैगल साहब रहते थे सैगल साहब के भाई थे अब कभी कभी ऐसा चले कि एक रात को आवाज़ आई मल्ला सोया हुआ है एक आवाज़ पृथ्वी 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 पापा जी को जगाया उठ के खड़े हो गए पापा जी हाँ सैगल क्या है उसे कहा मैं एक ट्यून बनाई नवी गाना बनाया मैं कंपोज किया कहता सुनाओ अपनी बैल्कनी वाजा लेके बैठ गए राजी पापा जी इधर बैल्कनी में बैठ गए वो गाना बजाएं ये वहाँ गए पूरा मोहल्ला सुन रहा है सब जागे हुए कोई बताते ही नहीं कि सब जागे हुए सब सुन रहे हैं और सैगल साहब गा के पी हुए आके जाके सो जाना वो मोहल्ला भी एक कमाल था मेरा आ गया बर्थडे तो मैं अब मेरे को पगार हाँ मैंने जब ज्वाइन कर दिया आर के ना केदार जी को तो मेरे को 80 रुपये महीना पगार मिली पहली पगार मिली तो मैंने कहा जी अब हम बर्थडे मनाएंगे शमी को हाँ 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 अच्छा उधर मेरे को मैंने कहा ऐसा करो मैंने मुझे शमी देखिए अब शमी की चलाकियाँ देखिए शमी नो द टाउन आई डोंट नो द टाउन तो पहली पगार मिली तो उस ज़माने में मेरा बर्थडे उस ज़माने में सच नहीं था वो कॉलेज स्कूल का बर्थडे था 15 नवंबर हुआ करता था शमी 3 अक्टूबर हुआ करता था
शमी ने कहा कि मैं इतने ही बेची हुई बीच में तेरे को पगार मिलती तब भी मना लेते, तो उसका मतलब था उसने अपने दोस्तों को ये कहा मैं बर्थडे मना रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिया उसने, उन्हें कहा मेरा अपने दोस्तों को मैं मना रहा हूँ। उधर हमने एक परमिंदर मेरे का दोस्त बड़ा अच्छा था, सब मेरे दोस्त शमी के ही सब दोस्त थे, तो मैं तो बाद में बने मेरे साथ ही हो गए। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इरास में थिएटर बुक करते थे, रेस्टोरेंट हुआ करता इरास रेस्टोरेंट, इरास में बुकिंग कर देते हैं। वो 100 रुपया दे के मैं परमिंदर को बोला वो जमा करा गया, कॉलेज उसका नज़दीक का, वो 100 रुपया बुकिंग करके आ गया। साथ आया कि देखो बात यह है कि 100 रुपया तो दे दिया है लेकिन आप जा नहीं सकते अंदर जब तक डीजे ना हो। अरे मर गए, डीजे किसके पास, डीजे सिर्फ परमिंदर के पास था, हमारे पास तो था ही कोई नहीं, अब डीजे किधर से लाएं। अब मैंने कहा अभी पैसा तो 100 मेरा गया, 100 तो बड़ा पैसा बड़े होते हैं यार, 100 क्या करें, कैसे बचाएं पैसे को। तो मैं जोगन पिक्चर चल रही थी तो जोगन की मैं रंजीत की ड्रेस डिपार्टमेंट में चला गया, तो वहाँ मैंने देखो कितने डीजे लटके हुए सब काले काले कोट पैंट लटके हुए, मैं कहा ये डीजे हैं, तो खद्दर के सब बने हुए सब खद्दर के बनाए हुए थे एक्स्ट्रा के लिए, वो जाके मैंने सबके लिए वो बनवाए, उसको फिटिंग ठीक कराई तो 2 रुपया ब्राइब उसको देनी पड़ी, प्रॉमिस पे कि हम सब वापस करेंगे। पहुंच गए हम जी थिएटर, पहुंच गए ऊपर जाके अब सबको आया कि दारू पिएंगे। अरे उम्र हमारी क्या है, हम 19, शमी इज 10-12, परमिंदर इज यंगर दन मी, पी हरिकिशन इज यंगर दन मी, आई एम द एल्डेस्ट अमंग दम एंड आई एम दी ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट इन द सेंस के आई एम आउटडेटेड मैन अकॉर्डिंग टू दैम, आई एम मैं कभी पी नहीं। खैर साहब 2 रुपया सबको पिया, लेकिन उसमें भी तब शरीफ आदमी थे जिन्होंने नहीं पिया, परमिंदर ने नहीं पिया, पी हरिकिशन ने नहीं पिया, पपी सोनी तो खूब पिया, वो सब पी पा के हम निकले तो 800 तो गए, मर गए, खत्म हो गया मामला। आए तो इरास में पिक्चर लगी थी, वो पिक्चर देखनी है, अब ना ऑन दी हाउस मैं बोलूँ कोई ले ही ना पैसे, मेरे बाकी जो जेब में तो मैंने लगाए कुछ एक्स्ट्रा थे पिछले महीने के, तो मैंने थिएटर में पिक्चर देखी। अब सब सारे कोई ढेरा खर्चने को तैयार नहीं, अब हमारे पास टिकट का कोई ट्रेन में वापस घर जाने का वसीला नहीं है, कोई एक ढेरा नहीं बचा, अब चले पैदल चले। तो जू पे जाके एक फ्रूट की दुकान आज भी है, रेलवे लाइन के साथ ही लगी हुई, ग्रांड रोड स्टेशन के साथ लगी हुई दुकान है, वहाँ बिल्डिंगें शुरू होती हैं तो पहली बिल्डिंग जूस की दुकान है, मैं जूस पियो चले, मैं कहता ऑन दी हाउस जिसके पास पैसे पी लो। आप सबको पता था मेरी जेब में थोड़े से पैसे बाकी, सब चोर थे कटे, सब गुंडे इकट्ठे हुए, उन्होंने साहब उसे ऑर्डर दे दिया जूस बना दो जी, समझ ऑन द हाउस, मैं ऑन दी हाउस, हाँ जी ऑन दी हाउस की हौसाले सबके सब जूस पे, मेरे को लास्ट गिलास मिला और सब अपना पी के चलते, मैं वहाँ कल अकेला खड़ा रहा, आई हैड टू पे फॉर इट, पे करके चल पड़े। चलते चलते पैदल चलते वहाँ मटुंगा से वी केम टू दादर, फ्रॉम दादर टू मटुंगा, घर पहुँचे तो पूरा मोहल्ला जाग रहा है, सुबह के 4 बजे जी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था इन बच्चों का कुछ करो पता, लोग खड़े देख रहे हैं मोहल्ला पूरा। हम पहुँचे देखे ये क्या हो गया, हम सब घरों में बिजलियाँ जल रही हैं और सब लोग बैल्कियों में खड़े, अब जूते पड़े गए पड़े लोग सब, लेकिन उनको इतनी खुशी हुई कि चलो घर आ गए, बस गए सारे के सारे, किसी की पिटाई नहीं हुई, हम ऊपर गए तो मैंने कहा मिसेस पिता जी चाची जी पर चाची जी यहाँ तो कुछ खाने को, भूख बड़ी लगी है, इतना पैदल चल के आए बड़ी भूख है। मैंने वो मुर्गा जो चाची जी ने उस दिन बनाया उन जैसा मैंने अभी तक कुक नहीं देखा, वो खाना मैं आज तक नहीं भूल पाता, वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाता जो उन्होंने उस दिन बनाया। और फिर अब आ गया रिपोर्ट, मैं शमी कपूर सब खबर पर फैला रहा है कि मैंने रात को पार्टी दी, तो ये मेरा सारा है सारा पैसे मेरे लगे, बर्थडे मेरा है, पार्टी ये करता है, उसका एक्सपोज करने की कोशिश की मैंने कि, लेकिन उसकी बात भाई वो पृथ्वीराज का बेटा है मेरी कौन मानेगा, उसी बात मानी गई।
ऐसा भी एक ज़माना था, आप माहौल जैसे बात कर रहे हैं, उस वक्त मैं पहला पाकिस्तान से उधर लाहौर से आया था, हमारे यहाँ तो बड़ी सलवार लड़कियाँ पहनती थी, मैंने देखा एक लड़की ने यहाँ तक स्कर्ट पहनी हुई थी, बाल कटे हुए, मैं क्या है ये, क्या दुनिया है ये, क्या हो रहा है। एक दिन पप्पी सोनी आ गया, हम बैठे थे, शाम पड़ती थी जब फाइव गार्डन में बैठ जाते थे, फाइव गार्डन में पप्पी सोनी आ गया, पप्पी सोनी बड़ी सोनी कुड़ी, बड़ी सोनी कुड़ी, हम नौ लड़के बैठे हैं, नौ के नौ भागे, कौन देख जाके किधर, कहते पानी पूरी वाले के पास खड़ी है, वहाँ पहुँचे तो कोई काम की है ही नहीं। अरे मेरे कौन सी, कहता वो जिसके गोल्डन हेयर है, शक्ल माँ गंदी बेतुकी, कपड़े वैसे ही। मैंने उसे पूछा ये क्या, ये कोई खूब, अरे यार क्या बाल है। तो हर की खूबसूरती का वर टू हूम एवरीबडी थिंक्स विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मैं बता रहा था साथ में पड़ोस में लड़कियाँ रहती थी, तो हम दीवार पे अपनी छत पे जाके ईंटों का ढेर लगा दिया, एक दिन पहले ढेर लगाया, पूरा लाइन लगा दी ताकि ऊंचा, अगले दिन जाके दो दो एक एक ईंट बीच में निकाल दी, और उसमें छुप छुप के उन लड़कियों को घर में देखते देखते थे, वो भी पकड़े गए। एक दिन पापा जी आ गए, कह रहे ये क्या करते हो, मैं शमी दोनों पकड़े, हमने कहा जी नहीं जी ऐसे ही बैठे थे देख रहे थे, कह रहे देख रहे थे, कहते सर पापा जी मारते नहीं थे, पापा जी की डांट बड़ी डरावनी थी, पापा जी की इज्जत औलाद या कोई और क्या करते थे, मैं को अभी तक समझ नहीं आता वो क्या इंसान था। मिसेज लीला मिश्रा ने मुझे बहुत साल बाद बताया कि मैं उनकी कुंडी लेकर बनारस गई थी, एक पंडित में उनकी कुंडी दिखाई तो कहने लगा ये तो आखिरी जन्म है इनका, ये साधु था पुराने ज़माने में, जिन लोगों ने इसकी सेवा की उनको उनकी सेवा करने आ जाए, ये वापस आया, वो आए इसलिए जी के जी रहे। अब वो आदमी को कैंसर, अमेरिका ले गए, अमेरिका ले गए, डॉक्टर ने कहा ये ओनली वन ईयर टू लिव, टेक हिम बैक, देख के आ गए। वो उन्होंने सुन लिया किसी ने, राज कोई बताना नहीं चाहता था, वो सुन लिया। तो मेरे फादर बॉम्बे से दिल्ली से आ गए, तो मेरे फादर रो पड़े, कहने यार तेरी को उम्र जान दी, यू आर समबडी आई एम नोबडी, इज माई एज इज मोर देन यू, आई शुड डाई फर्स्ट, वाई शुड यू डाई फर्स्ट। कहना क्या करता बातें क्या कर रहा है, मेरा एक जन्म में 110 जन्म जिए मैंने, तूने जिए क्या, हैव लिव 110 लाइफ इन वन लाइफ, एक्टेड 110 करेक्टर्स, और एक्टर कैसे थे मैं उसका जिक्र बताता हूँ ताकि इस बात की आपको वैल्यू पता चले वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुगले आजम साइन कर दी, मुगले आजम कपड़े बन गए, उसमें ड्रेस हो गई, मेकअप हो गया, रिलेशन हो गया, सीन सेट लग गया। आज पृथ्वीराज जी आए, उन्होंने मेकअप किया, मेकअप करने का बाद जी आइए, वो मेकअप करते हैं करते हैं, वो आए ही नहीं। तो असिस्टेंट गया, आसिफ साहब ने कहा भी बुलाओ उनको अरबी, तो बुलाने गया तो अरबी बुलाने गया तो कहने लगे जी वो उनका है पृथ्वीराज चाहिए तो है, अकबर नहीं आया अभी तक। वो आदमी आ गया, उसने जी वो तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है रहने दो। 3 बजे वो निकले, वेन ही वॉकड आउट ऑफ द मेकअप रूम देयर वॉज नो मैन ऑन द वे, ए रिच एक्टर, अ बिग एक्टर, या रिच प्रोड्यूसर, या एनीबडी हु डिडंट सैल्यूट हिम एंड स्टूड रिस्पेक्टफुली। ही वॉज रियली अकबर की असर पड़ा गया, किंग आ रहा है, ये थे वो, ही यूज टू लिव हिज कैरेक्टर्स लाइक दिस, दैट इज द रीजन ही वॉज प्राउड ऑफ लिविंग 110 कैरेक्टर्स इन दिस लाइफ। सारी दुनिया, दिलीप साहब ने कहा यार मैं तो बड़ा हीरो हूँ पृथ्वीराज कपूर के सामने से, आप मेरे को मेरा नंबर आपने अपना मेरा नंबर सेकंड कर दिया, पृथ्वीराज जी का आप फर्स्ट कर दिया। मुगले आजम ने आसिफ साहब ने कहा ही इज प्ले गेम फिल्म इज मुगले आजम नट, बेटे का नाम नहीं है तो उसके तेरा ग्रेट नहीं, तो करना तो कर नहीं, तो जा घबरा गए दिलीप साहब। दैट वॉज द इम्प्रेशन वेन ही क्रिएटेड, वेन ही वर्क फॉर सम करेक्टर ही यूज टू गिव दैट पर्सन इम्प्रेशन। इस तरह करके आई कम बैक के अब उन मैंने जोगन में काम किया, दिलीप के साथ साहब काम किया, दिलीप साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात, पहली नहीं थी, दैट वॉज फर्स्ट
सेकंड मुलाकात का थर्ड मुलाकात थी। पहली बार शमी मुझे उनके घर ले गया था जब मैं 1940 में आया था, तो उनके घर गया तो उनके घर में उनके छोटे भाई थे, जो एक उनके बड़े भाई थे वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, ही वॉज हैंडीकैप्ड और समथिंग कर दिया था। एंड यूसुफ साहब इस तरह बने, मतलब इतनी मोहब्बत ऊज करती है, ऐसा मतलब उनकी पर्सनैलिटी में क्या बात है, उनकी नीयत में क्या बात है, उनके अंदर है ना मोहब्बत जब आप उनसे कोई बात करें। और क्या बच्चों से जैसा हमको ट्रीट किया, अपनों जैसा ट्रीट किया। वो थे ही अपने, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली में घर कोई शादी होगी तो पृथ्वीराज दिलीप कुमार की शादी की फैमिली के बगैर हो ही नहीं, काम ही नहीं चल सकता। इनके यहाँ एक फैमिली की शादी हुई, आपा नहीं आ सकती थी, दिलीप साहब की बड़ी बहन, तो बारात उनके घर तक गई। टू गेट ब्लेस्ड बाई हर, द दुल्हन टू बी गेट ब्लेस्ड बाई हर। ये रिश्ते थे, ये नाते थे उस वक्त। और सुनाता हूँ आपको किस्सा, पृथ्वीराज एक्टर हो गए, दिलीप कुमार अपना दिलीप कुमार के फादर और पृथ्वीराज जी के फादर शंभुनाथ, दोनों वो पेशावर से ही थे, उन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी। तो वो मजाक से बुलाते थे पृथ्वीराज के फादर को, शंभुनाथ को, और कंजर दे पीऊँ। कंजर तो आप समझते हैं ना, कंजर शब्द क्या होता है, वो कंजर का बाप उनको कहते थे। अब दिलीप कुमार एक्टर हो गए, अपना गाड़ी ली, बड़ा हार बुलाया, और वो भिंडी बाजार के रहते थे तो नीचे बिल्डिंग में खड़े होकर थे, और कंजर कंजर का पियो, नीचे उतर नीचे उतर, ताकि अधिकमार एक्टर गए वो भी कंजर का पियो हो गया, तो उसको भी नीचे बुलाया, उसके गले में आने गले मिल रहे। दोस्तियाँ ये थी, रिश्ते ये थे, इनकी कितनी मिसालें दूँ। आप देखिए कि केदार जी के यहाँ मैंने 5 साल काम किया, 5 साल काम करने के बाद हर शाम उनके पास बैठता था, हर शाम वो कुछ बताते थे, सिखाते थे, सुनाते थे, शायरी बताते थे, किस्से सुनाते थे। पेंटर थे वो, वॉज अ पेंटर हिमसेल्फ, वॉज म्यूजिशियन हिमसेल्फ, एवरीथिंग हिमसेल्फ। उन्हें अपना किस्सा सुनाया कि आई बिकम ए पेंटर व्हेन आई जॉइंड न्यू थिएटर इन कलकत्ता, तो वन डे आई गॉट फेड अप, तो बाबू आए जो चीफ थे थिएटर के, नाम बोल रहा इस वक्त, तो उनको रास्ते में खड़े हो गए, तो तूफान मच गया कि साहब के रास्ते में वो खड़ा हो गया। गाड़ी रोकी, कहने में किदार तुम्हें क्या चाहिए, क्या बात है, कहता साहब टेक दिस ब्रश, गिव मी पेन, ही गेव हिम पेन, ही रोट द सॉन्ग्स ऑफ देवदास ऑफ दैट टाइम, व्हाट सॉन्ग्स। उसके बाद उन्हें फिल्म बनाई झंडे खान साहब के साथ, झंडे खान म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो रंडी के कोठे पे तबला बजाते थे झंडे खान साहब। झंडे खान साहब ये गए, जवान लोग सब हरकतें तो करते ही हैं, वो वहाँ गए तो उनको सुना, कोठे पे गाना नाच चल रहा था, सुना उसको, उसको बुलाया तो मेरी पिक्चर का म्यूजिक दो। औलाद पिक्चर बनाई, औलाद में उनका 8 गाने 8-1 राग में, आज तक रिकॉर्डिंग कोई नहीं है दुनिया में, नहीं है एक आदमी केदार शर्मा का रिकॉर्ड है, एक राग में सब गाने। दूसरी थी एक दूसरी फिल्म बनाई गीता बारी जी के साथ, पहली फिल्म पहाड़ी, 8 गाने एक ही राग पहाड़ी। लेकिन वो लोग अचीवर थे, पैसा था, इसे कमर्शियल आर्ट, पैसा पिक्चर बनाने में पैसा लगता है, पैसा आते भी पैसा लगता है। उस जमाने में भी लोग थे यार इसमें कुकू का डांस डाल देना ताकि पैसे और आ जाए, पिक्चर और चल जाए। लेकिन जो लोग सुनते थे कहता यार हमें शांताराम जी किसी की बात सुनते थे नहीं, वो करते जो उनको करना। एंड दिस फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच, आपको अंदाजा नहीं हो सकता, टू द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, टू द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। मैं 1960 में साउथ गया लोकेशन देखने, तो कोई है ही नहीं, किसको क्या पूछूं, तो वर्कर है राह भूल रहे, हम पीजीआर जाना चाहते थे, अरे पीजीआर पीरमिट का रास्ता भूल गया था, तो उनसे पूछा, वो जा रहे थे तो एक आदमी देखा तो हिंदी गाना गा रहा है, हिंदी गाना, मैं उसके पास गया, आई डोंट नो द लैंग्वेज आई नो द सॉन्ग बट इट वॉज गेटिंग टूगेदर दीज पीपल दैट द इंडस्ट्री ऑफ दैट टाइम कंट्रीब्यूटेड सो मच टू द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। आज सब अपने प्रांत हैं, आप एक हसन निसार साहब हैं पाकिस्तान में, उनकी मैंने एक स्पीच सुनी
या उनसे मुझे याद आया कि कोई भी और एमजी अकबर ने भी ये बात कही कोई हिंदुस्तानी बाहर जाता है वो मराठा है गुजराती है फलाना है टिमकान है कौन है पारसी है क्या है कौन है भाई तुम इंडियन बाद में कहते हैं मराठे बाद में ये बातें चली द आइडिया ऑफ इंडिया एज अकबर सेड इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज वीकर देन पाकिस्तानी दैट इज हिज स्टेटमेंट और भाई दे बात आ गई तो मैंने कह दिया वी आर वेरी लकी द म्यूजिक दैट हैज बीन क्रिएटेड इन बॉम्बे हैज कंट्रीब्यूटेड टू द टोटैलिटी ऑफ ऑल द प्रोविंसेस हर एक अपना अपना गीत है पंजाबी आज आज पंजाबी गीत कितने चल रहे हैं कंट्रीब्यूटेड हर जगह संगीत हर तरह का डिफरेंट है बनारस का और है आप बनारस के म्यूजिशियन देखिए कितने हैं पहलवान भी बहुत हैं गुंडे भी बहुत हैं लेकिन उनके आप गीत तो सुनिए आप साउथ का गीत तो सुनिए साउथ का म्यूजिक तो देखिए मणिपुर के डांस तो देखिए मणिपुर के गीत तो सुनिए द होल थिंग कंट्रीब्यूट्स टू वननेस इज नॉट कि सेपरेट हैं डिफरेंट हैं बट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वननेस ऑफ दिस कंट्री आप बातें होती हैं सब होता है जोगन में काम करते करते पैसे मिल गए पगार बन गई मेरा पिछला पिक्चर मैंने काम की थी उसमें मुझे पैसे नहीं मिले थे तो उसके पैसे इसमें मिल गए तो मैंने कहा मैं चलो देना मैं कंबल भी खरीद दिया वो दिल क्योंकि दिलीप कुमार की बहन खरीद रही थी तो मैंने भी खरीद दिया रोम में ऐसे कर कर आके खरीद दिया तो मैं घर आके पापा जी को पापा जी आई वांट टू गो एंड लिव माई ओन बड़ा अजीब लगा उनको उन्होंने एक बात कही उड़ जा उड़ जहाँ तक उड़ सकता है जब तेरे पंख गीले हो जाए तो घर आ जाना दिस इज योर शेल्टर कम बैक I went and stayed out. And stayed out का कुछ फ़ायदा भी हुआ मैंने किदार शर्मा जी को छोड़ा वो कह रहे क्या हुआ मैंने तो उनको गाली दी जी नहीं मैंने तो उनको बुरा कहा मैं जी नहीं तेरी पगार कम है क्या मेरी पगार उन दिनों में 150 रुपये थी और जोगन में मेरी पगार 300 रुपये थी आई वॉज द सेकेंड हाइएस्ट पेड असिस्टेंट डायरेक्टर इन द होल ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ महबूब साहब हिज असिस्टेंट यूज टू मिस्टर गांधी यूज टू गेट 1000 रुपीज अ मंथ इतना फ़र्क था लेकिन फिर मैंने कहा तू जा क्यों रहा है मैं कहा भाई बात यह है कि आपके यहाँ रहते रहते आपकी बातें सुन सुन के लगता मैं तो जिंदगी कभी डायरेक्टर ही नहीं बनूंगा आई वॉन्ट टू गो एंड वर्क विद सम इडियट जहाँ मुझे एहसास हो कि हाँ भी मैं भी कुछ हूँ जो आपका दिया है मेरे आपसे जो पाया है मैंने उसको मैं समझ सकूँ कि मेरे अंदर है कि नहीं ही लाफ्ड ही गेव मी एक्स्ट्रा 1 month पे एंड लेट मी गो एंड बाई चांस आई वर्क विद समबडी And he was actually an idiot. And I did the film, most of it, the work, myself, on his, under his, with naam unka, kaam mera. But uska advantage kya hua? Mere ko wahan abrar mil gaye. Wo producer ka chhota bhai, cousin tha abrar. He was also assistant. But film industry mein to pehla assistant tha. Main to usse pehle ka, main senior tha. Main tha. पपी सोनी था अबरार था एक लड़का और था पिक्चर कंप्लीट हुई हमने 4 महीने दिन रात काम किया हमको कोई पगार नहीं मिली उस रात जब पिक्चर रिलीज हुई हमने डब्बे दे दिए जाके तो 100 रुपया मिला बट मैंने बहुत पाया उस फिल्म से भूखा रहा मैंने बहुत पाया मैं फिर जो बाहर अकेला रहता था बिस्तरा बुरिया बंद किया और राज साहब कहने चला गया कि मेरे को असिस्टेंट ही करनी है आपकी तो राज साहब ने एक ही बात कहा कि यहाँ से भागने का तो नहीं मत इरादा तेरा मैं कह नहीं जी मैं अब काम करूँगा मैं यहीं रहूँगा आई स्टेड विद हिम आई यूज टू गेट वट एवर ही यूज टू वेयर सेम सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स आई यूज टू गेट ए कार आई यूज टू गेट ए फूड द सेम ही यूज टू ईट ही यूज टू स्लीप इन द सेम रूम ऑन द आई मीन कभी फुटपाथ पे सो कहीं सो गए सो गए इफ ही इज फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग इससे और क्या किया और मैंने सीखा टू बी ऑनेस्ट इतना टेक्निकली नहीं मैंने इमोशनली सीखा किदार शर्मा जी से इमोशनल अटैचमेंट्स कैसे होती हैं इमोशनल मूवमेंट्स कैसे होते हैं इमोशन आई मीन हाउ द सेक्स हैज टू बी शोन बट नॉट नास्टी नहीं गंदा नहीं उनका एक बात थी दो बातें उनसे जो मैंने सीखी जिससे मेरे बहुत काम आई उन्होंने कहा कि जो अगर तेरे को कह दे
यार देखते रहा वो शॉट बड़ा अच्छा था, डूब मरना वो तेरी मौत का दिन है, ये कहे तेरी पिक्चर अच्छी थी, वो करेक्टर अच्छा था, वो कहानी अच्छी थी, टोटलिटी की बात करे कुछ सेकंड शॉट की बात ना करे। ये उन्होंने मुझे सिखाया, दाद देनी सिखाई और इमोशनल एलिमेंट जो मैंने उनसे सीखे, मैं नहीं, बाद में मैंने आरके ज्वाइन किया। आरके ज्वाइन किया तो आरके में एक चक्कर और था कि राज साहब इज हैविंग एन अफेयर विद नरगिस, मेरी भाभी घर में बैठी रोए, तो आई कुडंट टेक इट। मेरे भाभी जी, उनसे मेरा प्यार था और बहुत इज्जत करता था, उन्होंने मेरे बड़े वक्त में भी, उन्होंने मेरी बीमारी में मेरी माँ वो थी, उनका रिश्ता मेरा ये था कि उन्होंने मेरी माँ से कहा कि जाया आपने बेटा वो मेरा, ये मेरे को इज्जत उस घर में उस जगह पे मिली। लेकिन ये सब करके बात सब देखा, लेकिन मेरे को राज साहब ने निकाल दिया। I wanted a raise because everybody used to get raise when they used to get married, why not me? Mushe, jo senior junior tha, he was getting more pay than me. I was the chief, but all facilities were to me. Wo unko to nahi thi na, mere ko, lekin wo main samajhne ko taiyar nahi tha. Babaji ko maine bataya ki mera kuch nahi hona, I want to go back. Mere father ne kaha tum wapas aa jao, ek chemist ki dukaan maine le liya, license le liya. You come and start working on the chemist shop. 14 साल गुजर चले इंडस्ट्री में काम करते करते, और ये हालत, तो मिसेज राज कपूर को पता चला कि मैं जा रहा हूँ, वो आ गई, देखो देख एक हफ्ता और दो, ट्रेन सीटें टिकटें कैंसिल करो, मैं जो टिकटें दे दूँगी दोबारा जाने के लिए, वेट फॉर वन वीक आई गॉट द 25,000 रुपीज चेक फ्रॉम माई फादर, कहते पिक्चर बनाने जो बनानी है, उन दिनों 25,000 रुपये बड़ा पैसा होता था। मैंने वो सुनते करते करते अबरार से, अबरार बहुत बड़ा डायरेक्टर हो चुका था मैं, विद दिस हेल्प आई गॉट प्रोफेसर, दैट्स लोग की बातें। भगवान दास वर्मा, आई वॉज वर्किंग विद, आई हैड वर्क विद शर्मा जी, तो इवन देन व्हेन आई वाज इन कैलाश शर्मा जी के साथ काम करता था, तब उसी कंपाउंड में उनका भी ऑफिस था, वो मेरे अंकल के छोटे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो चाचा जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, और वो भी उनके दोस्त थे, वो दोनों इकट्ठे घर से भाग गए, वो जाके कराची चले गए, ये आके इधर बम्बे आ गए, इधर आके इन्होंने पेट्रोल का धंधा किया, गाड़ियों का धंधा किया, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो गए। बट ही डिड इनकरेज मी, ही भगवान दास वर्मा ऑल्सो ट्रीटेड मी लाइक हिज नेफ्यू। I did a one film as an assistant with him, Taste. बड़ा अच्छा चीज था, किदार शर्मा जी के साथ काम करते करते। लोग पैसा था, पैसे, इट्स अ कमर्शियल आर्ट, कमर्शियल आर्ट करते करते ये लोग वहाँ भी कुछ थोड़े से पैसे, बस उन दिनों में लाखों में पिक्चर बनती थी। यू बी शॉक टू नो आई मेड दुल्हन वही जो पी एम माई इन 28 लैक्स, किदार शर्मा के स्टाफ के पैसे अपने, राशिद के स्टाफ के पैसे अपने, बट लॉस क्या होगा, दे टुक द रिस्क ऑन मी। जो राजश्री ने जो मुझे ट्रीट किया, दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। मुझे सेठ जी ने बुलाया था प्रोफेसर ने, तो आई आस्क फॉर 65,000 रुपीज एज पे, उन्होंने कहा क्या है लड़का, नहीं दिया मुझे। बाद में जब मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं घर बार मेरा बिक गया, मैं कर्जे पे आ गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बुलाया तो कहने लगे भाई 5,000 रुपया ना, मेरी पगार को तय नहीं, यू बी डूइंग ए फिल्म कॉल अरे बाबा 4,400। हम क्या करें, पैसा है नहीं घर में, बाप 1,000 रुपया महीना देता था, उन्होंने कहा 11 महीने मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, और 2 महीने बाकी रह गए थे, तो मैंने कबूल कर ली वो नौकरी, चलो यही सही। तो अब मैंने कहा कुछ पैसे भी मिल जाए, 2 महीने के पैसे भी 1,000 रुपये वहाँ से भी मिलने लगा, मैं अब मैं जी जाऊँगा। मगर एक दिन राजबाबू आ गए, तो मेरी शूटिंग शुरू होने वाली, सेट लग रहा था, म्यूज़िक एक गाना रिकॉर्ड हो गया था,
गाना भी 1,40,000 रुपया उस दिन लगा उस गाने पे। राजबाबू कहने लगे, भाई लेख जी मुबारक हो, आप बड़े दिनों के बाद शूटिंग कर रहे होंगे ना। तो आई वॉज अंडर द कमांड ऑफ सेठ जी, नॉट अंडर द कमांड ऑफ राजबाबू। तो सेठ जी कहीं बाहर चले गए थे, तो राजबाबू ने मुझे बुला के पूछा, बड़ी मुबारक हो। मैंने कहा क्या है कि मुबारक दी, अरे बाबा 4,000। अरे बाबा 4,000 को भी डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप करने नहीं देते, कोई राइटर आप टिकने नहीं देते। अंदर ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी द होल प्रोजेक्ट शेल्ड, व्हाट डू यू वांट, कॉल मी, व्हाट डू यू वांट टू डू एनी सोशल फिल्म दैट यू से। उन्होंने मुझे कहा अच्छा हम एक कहानी देते हैं, तुम इस कहानी पे लिखो, लिखवाओ। राइटर आए, संतोषी जी आए, बड़े नामचीन लोग आए, क्या नाम लो, और सब फेल हो गए। उन्होंने कहा वी क्लोज डाउन दिस फिल्म प्रोजेक्ट लेख टंडन, सॉरी ये हम नहीं, तुम्हारी कुंडी में है नहीं ये पिक्चर। मैंने कहा जी क्यों, मैंने मन में आया कि 15 दिन बाकी हैं पगार मिलनी है, तो उसके पगार तक मैं इनको, मैंने कहा जी मुझे 15 दिन दो मैं कहानी लिख के देता हूँ। 15 दिन के अंदर मैं मेरी बच्चे अपने अपने दो कमरे थे उनमें सोते थे, लड़कियाँ एक तरफ पढ़ती, लड़के एक तरफ पढ़ते थे, और मैं और मेरी बीवी ड्राइंग रूम में सोते थे। तो मेरी बीवी कह रही कि आप कुछ लिखोगे कब, पैसे तो मिलने हैं ना उसके लिए, तो लिखो कुछ तो करो। मैं फिर जागते थे, नोट लेता था, डेट ले जा, इन नोट लेते लेते मुझे ये लगा तो मैंने कहानी बन रही, मैंने पूरी कहानी लिख ली। पूरी कहानी लिखी, पूरी कहानी लिखने के बाद मैं एक एग्जैक्ट जिस दिन पगार मिलनी थी उस दिन मैं सुनाने चला गया कि जी ये मेरी कहानी, मैं रेडी हूँ आ जाओ। कपूर बाबू ने, राजबाबू ने मुझे बुलाया, राजबाबू ने सारा स्टाफ बुला लिया, कहानी सुनो भाई। मैं सुनाने लगा तो सन्नाटा ही है, तो मैं सिगरेट पीता था, उनको पता मैं सिगरेट पीता हूँ, तो कमरे में तो नहीं पीता, बाहर जाकर सिगरेट पी, फिर वापस आया कहानी सुनाई। राजबाबू ने पूछा भाई बताओ कहानी क्या है, कैसी लगी आपको। वहाँ एक कपूर साहब थे, उनके जनरल मैनेजर, उन्होंने कहा ये तो कहानी वो है ही नहीं जो हमने इसको कही थी लिखने के लिए, तो कुछ और ही लिख के लेके आ गए, बकवास है। उनके सिस्टम बोल पड़े, हाँ जी ये कोई बात दम नहीं है इस कहानी में। तीसरे आदमी उनका ही चमचा था, उनका मतलब ये स्टाफ बोल रहा है, कपूर साहब के जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं जी कुछ। वहाँ जकी एक काम करते, उनसे पूछा, कह जी दो बार हंसा दो बार रोया, उनके चीफ जो हैं आजकल भी, उनका कहा जी दो बार रोना आ गया। इस तरह सब बोलने लगे, राजबाबू गेट अप फ्रॉम द सीट एंड शुक हैंड विद मी, वी आर मेकिंग दिस फिल्म, गो एंड राइट द स्टोरी, गो एंड राइट द डायलॉग्स, स्क्रीन पे तो पूरा कर लिया था। आई कंप्लीटेड दैट फिल्म वाज दुल्हन वही जो पिया मन पर, देन आई स्टार्टेड दैट। Thank you.